बाबू आप लोगों को WCL MCL में वेंटिलेशन का प्रिलिमिनरी आइडिया अवश्य आएगा, तो कम से कम हम वेंटिलेशन के 10-12 को वीडियो भेजेंगे, ठीक है, और बीच में हम स्टोविंग का लेंगे, सेफ्टी इश्यूज रिगार्डिंग स्टोविंग और स्टोविंग से हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हाइड्रोलिक प्रोफाइल बहुत सारा चीज है वो सब को लेंगे। अभी हम देख रहे हैं वेंटिलेशन, वेंटिलेशन में वेंटिलेशन होता क्या है, क्यों हम वेंटिलेशन करते हैं, मतलब पर्पस और ऑब्जेक्ट और नेसेसिटी ऑफ वेंटिलेशन क्या है। एक वेंटिलेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहले तो ये नहीं पता कि वेंटिलेशन किसको बोलते हैं। माइंड की बात छोड़ दीजिए, हम तो माइंड वेंटिलेशन पढ़ रहे, लेकिन आप घर में आइए, घर में आइए और अपने अपने घर में एक बार देखिए, दीवार में ऊपर के तरफ एक छोटा सा खिड़की टाइप का बना है जिसको आप लोग वेंटिलेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वेंटिलेटर बोलते हैं। काहे के लिए बनाया है बेटा घर में वो? इसलिए बनाया है कि हम घर में रहते हैं तो हवा छोड़ रहे, नाक से हवा छोड़ रहे, दिन भर खिड़की दरवाजा बंद नहीं, 24 घंटा खुला रहता है दरवाजा खिड़की। तो जब दरवाजा खिड़कियां बंद रहेगा तब घर का अशुद्ध हवा जो है, गर्म हवा जो है, उस वेंटिलेटर के थ्रू बाहर हो जाए। और छोटा छोटा खिड़की भी हम बना के रखते हैं जो लो लेवल में रहता, कम ऊंचाई में, वो खिड़कियों से हवा क्या होगा, अंदर की तरफ आएगा, तो शुद्ध हवा अंदर आएगा। और जो हमने सांस के द्वारा छोड़ी गई हवा है और घर में भी जो डिफरेंट एक्टिविटी होता है उससे जो हवा गर्म हुई, वो गर्म हवा और अशुद्ध हवा उस वेंटिलेटर के माध्यम से बाहर चला जाए, यही ना पर्पज रहता है। अरे तो सब अपने अपने पापा पूछेगा वेंटिलेटर काहे बनाया है या काहे बनाते हैं, ठीक है। तो वेंटिलेशन क्या हुआ, माइंड में भी यही करते हैं हम, माइंड में जो फॉल गैसेस है, दूषित हवा है, अशुद्ध हवा है, इम्प्योर एयर है, उसको बाहर निकालना और उसके बदले कूल ड्राई और फ्रेश एयर माइंड में भेजना, ये जो प्रक्रिया है इसको बोलते हैं वेंटिलेशन, ठीक है। अब एक लाइन में सुनिए, शुद्ध हवा को खदान के अंदर भेजना और अशुद्ध हवा को खदान से बाहर निकालना, यह है वेंटिलेशन। ये क्या है? वेंटिलेशन मतलब हवा भेजना और हवा को बाहर निकालना, मतलब हवा का आना जाना होना, यह है वेंटिलेशन, ठीक है। क्या पर्पज है, पहले माइंड में होता क्या है, अंदर का सिचुएशन को देखिए, धूल होता है, धुआं हो सकता है, स्टीम टाइप का एटमॉस्फेयर हो सकता है, ब्लास्टिंग करता है, स्मोक होता है कि नहीं, डस्ट होगा, स्मोक होगा, स्टीम टाइप का सिचुएशन होता है, तो उसको हटाना होगा कि नहीं हटाना होगा। धूल भरी हवा को, डस्ट लेडन, LADEN लेडन, डस्ट लेडन एयर को यदि हम इनहेल करते हैं, तो आप लोग मेरे साथ जुड़े हैं बहुत दिन से, हम बताएं कि डस्ट लेडन एयर और ओवी रेस्पिरेबल डस्ट यदि हम ले लेते हैं नाक के थ्रू फेफड़ा में, लंग्स में, तो मेरे लंग्स में डस्ट के कारण एक लंग डिजीज होता है जिसको न्यूमिकोसिस बोलते हैं, और उसको कौन कौन से टाइप ऑफ बहुत बार बता दिए, ठीक है, वो हो सकता है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर यदि बढ़ गया वहां पे तो मुझे तो अगबक्की होगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, तो काम नहीं कर पाऊंगा तो मेरी एफिशिएंसी घट जाएगा। तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर भी माइंस में रहता, उसको एक सर्टेन लिमिट तक रखने के लिए हम वेंटिलेशन करते हैं। और हमको जीवन जीने के लिए कौन सा हवा में से क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, तो वो ऑक्सीजन सफिशियंट परसेंटेज में हवा में अवेलेबल रहे, इसके लिए हम करते हैं। उसके अलावा आप लोग इनफ्लेमेबल गैसेस के नाम सुनेंगे, जिसमें आप मेनली बोलते हैं फायर डैम्प या जिसको CH4 बोलते हैं, फायर डैम्प बोलिए, इनफ्लेमेबल गैस बोलिए, मिथेन बोलिए, एक ही बात CH4। तो वो इनफ्लेमेबल गैस या जो नॉक्सियस गैसेस है, CO, CO2, H2S, ये सब जो गैसेस है, SO2, इनको बाहर निकालने के लिए, उनको
बाहर तो निकालना प्लस इनको डाइल्यूट करके बाहर निकालना है। क्या करना है? डाइल्यूट करके बाहर निकालना है ताकि वो हार्मलेस हो जाए। क्या हो जाए? हार्मलेस हो जाए, अहानिकारक हो जाए, हानिकारक ना रहे। तो कितने चीज बोला बेटा, अभी तक हम बहुत कुछ नहीं बोले, सिर्फ चार गो पर्पज बताए। कितने पर्पज बताए? चार गो पर्पज बताए वेंटिलेशन के। क्या बोला? टू प्रोवाइड एयर कंटेनिंग सफिशियंट ऑक्सीजन, कंटेनिंग सफिशियंट ऑक्सीजन। क्या बोला? पहला उद्देश्य क्या बताया वेंटिलेशन करने का? कि हवा में पर्याप्त मात्रा में हवा उपलब्ध कराना, यह वेंटिलेशन का पहला दायित्व है। टू प्रोवाइड एयर कंटेनिंग सफिशियंट ऑक्सीजन, ठीक है। टू क्लियर अवे स्मोक, हाँ बाबू, टू क्लियर अवे स्मोक स्टीम एंड डस्ट, ठीक। तीसरा क्या बताए थे? टू डाइल्यूट इनफ्लेमेबल गैसेस एंड नॉक्जियस गैसेस, ठीक है। और चौथा क्या बताया था बेटा? टू प्रिवेंट एक्सेसिव राइज ऑफ टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, ठीक है। यही चार कारणों से हम वेंटिलेशन करते हैं कि हवा में सफिशियंट ऑक्सीजन रहे, जो भी स्मोक स्टीम डस्ट है उसको हटा दे, ठीक है, और इनफ्लेमेबल और नॉक्सियस गैसेस को डाइल्यूट कर दे, सो एस टू रेंडर देम, और आगे लिखना है तो लिख सकते, सो एस टू रेंडर देम हार्मलेस, ताकि उनको अहानिकारक बनाया जा सके। और जो एक्सेसिव राइज ऑफ टेम्परेचर ह्यूमिडिटी है, मतलब बहुत ज्यादा टेम्परेचर ह्यूमिडिटी बढ़ रहा है, तो उसको कम करने के लिए, ताकि ठंडा कूल और ड्राई एयर चाहिए हमको। कैसा एयर चाहिए? कूल एंड ड्राई एयर। ये इनफ्लेमेबल गैस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो क्या होगा? इग्निशन और एक्सप्लोजन के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपका कोल डस्ट बहुत ज्यादा होगा और फाइन डस्ट होगा तो क्या होगा? कोल डस्ट एक्सप्लोजन चांसेस बढ़ते हैं। मेरे स्वास्थ्य को तो जो प्रॉब्लम होगा होगा ही होगा, ठीक है। ये अब आपका ये जो इनफ्लेमेबल गैस है, इस इनफ्लेमेबल गैस का स्टैंडर्ड या ये सारा चीज का स्टैंडर्ड कहां दिया है? रेगुलेशन 154 में, स्टैंडर्ड वेंटिलेशन में, जिसको हम कई बार समझाए हैं एनसीएल वालों के लिए भी, और सीएमआर के प्लेलिस्ट में पहला ही मेरा वीडियो है स्टैंडर्ड वेंटिलेशन, वहां देखिएगा, ठीक है, वहां पर जाकर के आप लोग देखिएगा। अभी उसकी चर्चा करना अभी हमको लगता है जरूरत नहीं है।